हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी के बारे में। तो खतरों के खिलाड़ी का जो नया सीज़न है वो प्री प्रोडक्शन में है, मैंने आपको बता दिया था। आने वाले महीनों में हमें देखने को मिलने वाला है और इससे जुड़े सारे जो अर्ली अपडेट्स होते हैं, जैसे कि लोकेशन बदलने वाली है इस बार और कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि चेंज हमें देखने को मिलेंगी ये वाले सीज़न में, उसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी एक बना दिया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उस वाले वीडियो को ज़रूर देखाइए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ कंटेस्टेंट्स के अपडेट के बारे में। तो कंटेस्टेंट्स को गाइज करेंटली अप्रोच नहीं किया जा रहा, यानी कि ज़्यादा लोगों को अप्रोच नहीं किया गया है, बट हाँ बातचीत वगैरह चल रही है। और उन्हीं में से एक नाम हमें देखने को मिलता है जो कि सामने आ रहा है बार बार, जो कि है हर्षद चोपड़ा का। हर्षद चोपड़ा को हम अलग अलग सीरियल जैसे कि सौभाग्यवती भव, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बेपनाह में देख चुके हैं और इनका जो फैन बेस है स्पेशली ये रिश्ता के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ भी चुका है। एंड ये रिश्ता के बाद से इनके जो फैंस हैं वो यही वेट कर रहे हैं इनका कोई नया प्रोजेक्ट या फिर किसी नया सीरियल देखने को मिले। और यही चीज़ कलर्स वाले भी जानते हैं, एंडीमॉल वाले और खतरों के खिलाड़ी मेकर्स वगैरह सब जानते हैं। इसी करके मेकर्स एंड चैनल के बीच बातचीत चल रही है हर्षद चोपड़ा को इस शो के लिए रोप इन करने के लिए एज अ कंटेस्टेंट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, डिस्कशंस चल रही हैं एंड चैनल फुली कमिटेड है इनको लेने के लिए, मेकर्स भी लेना चाहते हैं इनको शो में, बट अभी के लिए इनको कोई भी ऑफर नहीं भेजा गया है, अभी के लिए इनको अप्रोच नहीं करा गया है। तो फिलहाल के लिए बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि ये शो में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे भी या फिर नहीं, बिकॉज अभी के लिए तो इनको ऑफर भी नहीं गया। जब ऑफर जाएगा तब ये सोचेंगे कि इन्होंने शो करना है या फिर नहीं करना, रिजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ देखने की बात सिर्फ ये है कि खतरों के खिलाड़ी मेकर्स चाहते हैं कि हर्षद चोपड़ा इस नए सीज़न में उन्हें एज अ कंटेस्टेंट देखने को मिलें। और भी मल्टीपल ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि उनके दिमाग में हैं, जिनके डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं और जल्दी उनको ऑफर्स भेजे जाएंगे। कमेंट सेक्शन बताइए आप इनको देखना चाहेंगे इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हुए या फिर किसी फिक्शनल सीरियल में ही देखना चाहेंगे। सारी अपकमिंग हर्षद चोपड़ा और खतरों के खिलाड़ी के अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आप कोई न्यूज़ मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।